अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे, अमर रहे, जय हिंद, जय हिंद, अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे, अमर रहे, जय हिंद, जय हिंद। गणतंत्र दिवस के अवसर पे झारखंड, बिहार एवं देशवासियों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और एक संकल्प भी लेते हैं कि 2021 जो है राष्ट्रीय जनता दल का हो। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल संकल्प लेती है कि अपने संगठन को काफ़ी मजबूत और धारदार बनाएंगे और जो लोगों को जोड़ने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे नेता गरीबों, शोषितों, दलितों, अकलियतों के मसीहा माननीय लालू यादव जी जल्द से जल्द हमारे बीच आएँ। ये हमारी जो हम लोगों के जो राष्ट्रीय जनता दल का ये सोच है। सर एक सवाल है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार, झारखंड एवं देश के तमाम नागरिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना। आइए मिलकर संविधान को मजबूत करने के लिए, संविधान में गहरी आस्था व्यक्त करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करें। जय हिंद। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव और जामा की विधायक सीता सोरेन की ओर से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जामा विधानसभा सहित समस्त झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आइए अपने संविधान पर आस्था एवं विश्वास रखते हुए अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जय हिंद। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी सिल्ली वासियों, सोनाहातू, भोला, रामगढ़ और जो आसपास के जितने क्षेत्र हैं और समस्त भारत को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि लोग हर्षपूर्वक गणतंत्र दिवस को मनाएं और मैं खास करके युवाओं में जोश भरना चाहता हूं कि वो जो भी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हों वो बढ़िया से करें और देश को आगे बढ़ाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिल्ली वासियों, झारखंड वासियों और समस्त देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। सभी देशवासियों को जो है मैं रविंद्र बड़ाई गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों, सिल्ली वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।